देखिए सिंपल सी सॉफ्ट सी बनी है हमारी ये नारियल की चक्की, नारियल की बर्फी। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कैसे बनानी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फी। तो ये नारियल का बूरा है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, किरानों की दुकान पे भी मिल जाएगा। तो ये आधा किलो बूरा है। मैंने यहाँ पे चढ़ाया है थोड़ा सा पानी जिसमें इसमें चाशनी बनाएंगे। तो ये आधा किलो बूरा हमने लिया है, तो इसका अंदाज हम लेंगे आधा किलो चीनी का। इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। पानी इतना होना चाहिए कि बस चीनी थोड़ी सी डूब जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें तो चाशनी सही नहीं बनेगी। तो सिर्फ पानी उतना ही चाहिए जिसमें हम चीनी को गला पाए। ये आधी किलो चीनी हमने डाली है यहाँ पे। इसको हम अच्छे से मिलाते हैं और थोड़ा सा पानी और इंक्लूड करते हैं इसमें। इसे हमें हाई फ्लेम पे चाशनी बनानी है, तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। हमने ये मावा निकाला है जो घर पे निकाला है हमने। तो जो मावा कैसे घर पे निकाला जाता है उसकी रेसिपी, उसका मैंने बनाया हुआ है वीडियो, मैंने उसमें पहले डाल रखा है, तो इसको वहाँ पे आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके आप। तो ये मैंने मावा घर पे ही निकाला है थोड़ा सा। आधी किलो बर्फी में कम से कम पाव भर इसमें ना मावा होना ही चाहिए, जिससे इसका स्वाद अच्छा आता है। हमें इसकी चीनी जो है वो डिसॉल्व करनी है। तो ये देखिए ये डिसॉल्व होने लग गई है। जब तक ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी इसकी चाशनी नहीं बनेगी। इसमें अभी भी देखे दाने हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आप डिसॉल्व कर लीजिए हिला हिला के। इसको आप अच्छे से मिक्स करोगे तो ये अच्छे से जल्दी और अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, चिपकेगी नहीं आपकी चाशनी। चाशनी में अच्छे से उबाल आने लग गया। इसको हम थोड़ा ना सिम कर देंगे। हमें जो चाशनी इसकी लेनी है वो एक तार की चाशनी लेनी है, तो हम इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखे यहाँ पे एक तार की चाशनी बन रही है। ये तार उठ रहा है। ये हमें एक तार की चाशनी ही लेनी है, हमारी चाशनी एकदम तैयार है। देखिए एक तार की चाशनी आ गई है यहाँ पे, तो हमारी चाशनी एकदम रेडी है। इस चाशनी में हम डालेंगे मावा जो हमने घर का निकाला हुआ है, इसी में ही हम निकाल देंगे ये। देखिए इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है यहाँ पे ये। इसी में हम डालेंगे अपना नारियल का बूरा जो हमने लिया है यहाँ पे। ये देखिए ये हमने डाला है, लेकिन हमने गैस को बंद कर दिया है, हमने गैस चालू नहीं रखी है। इसमें हमने गैस कर दिया बंद। इसमें आप कलर भी डाल सकते हो, कोई भी येलो रेड आपको जो कलर चाहिए। हम यहाँ पे सिंपल व्हाइट बना रहे हैं, इसमें आप कलर डाल सकते हो, हमने कलर नहीं डाला है इसमें। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैंने गैस अब ऑन नहीं किया है, गैस हमने बंद ही रखी है। और यहाँ पे हमने लगा लिया थाली, थाली में लगाया घी जिससे बर्फी जो है हमारी चिपकेगी नहीं। ये देखिए इसको हम इसमें डाल के अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसको हाथ से ही फैलाना है। हाथ में हम लगाएंगे थोड़ा सा घी जिससे ये चिपके नहीं हमारी। घी लगा के हमने यहाँ पे गरम गरम ही डालना है और उसको अच्छे से हाथ की सहायता से ही इसको थाप थाप के जैसे हमें सेट करनी पड़ेगी एक जैसी, जिससे इक्वल हमारी बर्फी निकले। लेकिन घी लगाना ना भूले, घी लगा के ही आपको इसे सेट करनी है। सी किस तरीके से ये हमें सेट करना है।
एक जगह मैं आपको और का सेट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए घी लगाया हमने हाथ पे और ये वापस से हम इसको सेट कर देते हैं। इसी तरीके से आपको सेट करनी है। सिंपल रेसिपी है, नारियल की बर्फी बनाना बहुत सिंपल है। इसमें आप कलर भी डाल सकते हो, हमने इसमें कलर नहीं डाला है क्योंकि हमें सिंपल ही बनानी थी ये। लेकिन याद रखिए कि इक्वल ही आपको इसे बर्फी को सेपरेट करना है, इसको फैलाना है। देखिए हमारी बर्फी ये जम चुकी है, इसको मैं ऐसे इस तरीके से कट कर लूंगी। हमने सीधी लाइन खींची है, अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे। ये हमने यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इसको हमने कट कर लिया है, इस तरीके से कट किया है। इसको हम अच्छे से अभी निकाल लेते हैं। देखिए ये देखिए हमारी बर्फी एकदम रेडी है। सी अगर बर्फी बाय चांस नहीं निकल पाती है तो हल्की सी इसको हीट दे दो, जो उसकी जो नीचे से घी होगा ना वो पिघल जाएगा, तो हमारी बर्फी जो होगी इजीली निकल जाएगी। हल्की सी हीट देनी है हमको क्योंकि घी है जल्दी पिघल जाता है। इसको हम नीचे उतार लेंगे, फिर हम इसको निकालते हैं। ये देखिए कितनी ईजिली अब निकलने लग गई है क्योंकि इसका घी पिघल गया है अच्छी तरीके से। देखिए निकल रही ना एकदम प्लेन सिंपल, ना टूट रही है ना कुछ। इसी तरीके से इजिली आप निकाल सकते हो। हमारी नारियल की बर्फी एकदम रेडी है। सिंपल है बनाने का तरीका, घर पे जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस तरीके की रेसिपी आपको वहां पर मिलती रहेगी।